जब ये सीलिंग चल रही थी तो जनरली सारे व्यापारी संगठन, इंक्लूडिंग वो व्यापारी संगठन जो भाजपा के हैं, वो भी ये मानते थे और हम ये बात पहले दिन से कहते थे कि सीलिंग रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके लिए लेजिस्लेशन लाया जाए, संसद में कानून लाया जाए या ऑर्डिनेंस लाया जाए, ये सब लोग मानते हैं। आज भाजपा के जितने भी कैंडिडेट्स जगह जगह वोट मांग रहे हैं, व्यापारी उनसे पूछ रहे हैं क्या आप संसद में लेजिस्लेशन लाएंगे। अब तक किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि वो लेजिस्लेशन लाएंगे। केवल ये नहीं, अभी मोदी जी ने व्यापारियों की तालकटोरा स्टेडियम में मीटिंग करी थी, वहां व्यापारियों ने स्पेसिफिक पूछा उनसे, वहां भी मोदी जी इस बात का गच्चा दे गए कि सीलिंग रोकने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाएंगे। तो इसका मतलब मोदी जी और मोदी सरकार जो है वो व्यापारियों के साथ नहीं खड़ी। अगर दिल्ली के व्यापारियों ने मोदी जी को वोट दिया तो सीलिंग जारी रहेगी, अगर आपने केजरीवाल को वोट दिया तो सीलिंग रुक जाएगी। एक और छोटी सी बात, बहुत दिनों तक डेलिब्रेशन हुई कि डीडीए मास्टर प्लान के अंदर अमेंडमेंट्स ला रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, व्यापारियों को बुलाया गया और काफी उसके ऊपर ड्रामेबाजी की गई और अमेंडमेंट किया गया। हम लोग पहले से कह रहे थे कि जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं दिल्ली की, खास करके जो LSCs और CSCs हैं, लोकल शॉपिंग सेंटर्स और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स जैसे ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ये सब इन कैटेगरीज में आती है और इनकी जमीन कमर्शियल है, इनके ऊपर कन्वर्जन चार्ज अप्लाई ही नहीं होता, ये जबरदस्ती लिया जा रहा है। डीडीए ने जब मास्टर प्लान की अमेंडमेंट की, उन्होंने ये साफ कर दिया कि इन लोगों से आप कन्वर्जन चार्ज नहीं ले सकते हैं। हमारे पास आज डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद एमसीडी के कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखकर कहा, पुनीत गोयल साहब का एक पत्र है जो हम आपके सामने रखेंगे, इन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमने जो पैसा व्यापारियों से वसूल किया है वो करीब 1,000 करोड़ रुपया है, 1,000 करोड़ रुपया, और आपका अगर अमेंडमेंट हमने लागू कर दिया तो इसमें से ज्यादातर पैसा हमें वापस करना पड़ जाएगा क्योंकि इलीगली लिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ एक चिट्ठी से सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हरदीप पुरी ने एक चिट्ठी लिखी, हरदीप पुरी जी इसका जवाब दें, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब से, उन्होंने चिट्ठी लिख के इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया। क्या कोई चिट्ठी किसी मास्टर प्लान के अमेंडमेंट को खारिज कर सकती है? क्या आपने ये अमेंडमेंट सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए किया और ये पैसा वापस नहीं हुआ व्यापारियों को, और उसके बाद मुझे लगता है कि 1,000 करोड़ रुपया और वसूल लिया गया, ये अक्टूबर 2000 की चिट्ठी है, हम आपको देंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।